हेलो जन फैमिली, ग्रुप 17 कॉल्ड हेलो जन फैमिली। ओके हेलो जन, आप लोग जानते हो कि CLBRI को हम लोग हेलो जन बोलते हैं। एंड अगर मैं बात करूं फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP कितना, 7 5 होगा, वो होता है 287। ये वाला 7 होता है, इसको हम लोग H2 और P5 में डिवाइड करके लिखते हैं, NH2 और NP5, राइट। ये तो आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एटी। एटी का नाम क्या होता है, एनीवन? नाम क्या है एटी का यार? ऐसे थोड़ी चलेगा यार, कुछ तो आ नाम, पीरियड टेबल कंप्लीट हो चुका, नाम भी नहीं पता आपको? एस्टेटिन एस्टेटिन ठीक है, जो भी होता है याद कर लेना। ओके इतना सा चीज तो मैं नहीं बताऊंगा। ओके इसका एटॉमिक नंबर बात करें, एटॉमिक नंबर बता दो। 9 एस्टेटाइन का बताओ। अच्छा सॉरी, 80, हाँ एस्टेटाइन ही होता है। एस्टेटाइन का बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है। 85। 85, वेरी गुड। क्या ये रेडियो एक्टिव होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बोलो एट्टी फाइव वाला रेडियो एक्टिव नहीं है। चलो ये तो सिंपल सी चीज है ना। टेल मी द स्टेट ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, गैस सॉलिड और लिक्विड? गैस फॉर्म, वेरी गुड। ओके एंड देन क्लोरीन, गैस, ब्रोमीन लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, और दैट इज वोलाटाइल लिक्विड। आई होप वोलाटाइल तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। एंड आयोडीन सॉलिड, सॉलिड। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, इवन आयोडीन का भी ज्यादा पार्ट है नहीं सिलेबस में। ओके एक दो एसिड हैं और एचआई वगैरह है, यही पढ़ना। ओके नेक्स्ट, टेल मी द कलर, कलर क्या होता है क्लोरीन और फ्लोरीन का कलर? येलो। एंड दिस वन येलो ग्रीन। एंड नेक्स्ट रेड ब्राउन। ये आपका वायलेट। ओके ये कलर आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर। अच्छा मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा? एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज। इंक्रीज। नेक्स्ट वन आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज। पक्का सबको आइडिया होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। ओके अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दो मुझे, और साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज तो होती है, वैल्यू याद रखना है, 4.0। क्लोरीन 3.5 और 3.0 क्या होता है? 3 3। एंड इसके बाद आपका ब्रोमीन
2.8 आयोडीन 2.8 आपको याद रखना है। इस पेज में याद रखने लायक सिर्फ दो चीजें हैं, कलर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। ओके नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जानते हो क्या होता है एफिनिटी? ओके एफिनिटी क्या होता है, टेल मी। एफिनिटी इलेक्ट्रॉन रखने की, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके अपने पास रखने की टेंडेंसी को एफिनिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सीएल की होती है, क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। ओके ये आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड्स है। नेक्स्ट आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट बोल रहा है मुझे एनसीईआरटी में इसका 3.2 दिया हुआ है और इसका 3.0 दिया हुआ है, इसको चेंज कर सकते हो। ओके मैंने बोला तभी आपको आता नहीं है लिखने के लिए, बट वैल्यू याद रहेगी तो कंपैरिजन करने में आसानी रहती है। फॉर एग्जांपल लाइक फास्फोरस का और हाइड्रोजन का कंपैरिजन करने में आपको इजी रहता है। इसका 2. कितना 1.8 होता है, 1.4 होता है, 1.4 होता है, इसका 2.18 होता है। कभी भी वैल्यू के ऊपर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, जब भी आता है ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके क्लियर, पूर्वा समझ में आया? तो इसको 3.2 कर लो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ या 3.0 लिखा हुआ। ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितना होता है, कितना नहीं मैं ट्रेंड बता दो आप। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेट मी राइट डाउन, सबसे ज्यादा होता है Cl2, फिर होता है आपका Br2, फिर होता है F2, फिर आता है I2। ये दोनों प्रॉपर्टीज का सिंपल एक सिंगल रीजन है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से वो रिपल्शन करता है। ओके ये डेटा में हम लोग इस तरीके से देखा कि ब्रोमीन के लिए कम एनर्जी लगती है इन कंपेयर टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए कम एनर्जी लगती है, ब्रोमीन के लिए ज्यादा लगती है, हमने एक्सपेरिमेंटल देखा गया, इसलिए ये रिजल्ट यहाँ पर शो किया। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से आपका ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन होता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से ये वाला पार्ट भी एक्सप्लेन होता है। समझ में आया? तो वी कैन से दैट लोन पेयर रिपल्सन। ओके नाउ इफ वी टॉक अबाउट एसिड, इसके कौन कौन से एसिड होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिड फर्स्ट एसिड दैट इज बाइनरी एसिड, सेकंड एसिड जिनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड, बाइनरी एसिड कौन कौन सा होता है, HF, राइट? HF यूजुअली आपका H2F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है बताऊं आपको, जो आपका HF रहता है ना, HF, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि ये इस तरीके से बॉन्ड करने लगता है, खुद एक मॉलिक्यूल बना लेता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका HF। ओके तो H2H2 H2F2 फॉर्म में हम लोग डाइमर लिख सकते, बट आपको यही याद रखना है रिएक्शन इसी से कराना है, कहीं भी इसकी रिएक्शन नहीं है
कोई रिएक्शन डाइमर फॉर्म की नहीं लिखाना है, कहीं पर कुछ भी यूज नहीं करना है, बस जान के रखना है कि HF होता है वो H2F2 के फॉर्म में डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। और HCl है, फिर आपका HBr है, फिर आपका HI, ये इस तरीके से। नेक्स्ट वन, इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सो एसिड, इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड है HOF, सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है बस। अभी बताइए क्यों सिंपल यही एग्जिस्ट करता है। नाउ फिर आपका आता है ऑक्सो एसिड में HOCl, HO, HClO2, फिर आपका HClO3 एंड HClO4, ये आपके ऑक्सो एसिड हो। समझ में आया? अच्छा, ऑक्सो एसिड का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। ऑक्सो एसिड मींस होता है ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, इसका मीनिंग होता है आपका हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर के ऑक्सो एसिड बनाते। समझ में आया? अभी मुझे बताओ क्या H2SO4 ऑक्सो एसिड है या नहीं है? H2SO4 ऑक्सो एसिड है या नहीं? ऑक्सो एसिड है, सल्फर आपका नॉन मेटल में आता है तो ये आपका ऑक्सो एसिड है। कोई भी आपका ये कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको हम लोग ऑक्सो एसिड बोल सकते हैं, नॉट ओनली सिर्फ हैलोजन के लिए, हैलोजन के लिए बता दिया। नेक्स्ट वन, इसमें नेक्स्ट वन आपका ब्रोमीन के लिए कौन कौन से एसिड एग्जिस्ट करेंगे? ब्रोमीन के लिए है आपका HOBr, HBrO2, HBrO3, HBrO4, ओके। एंड नेक्स्ट वन है HOI एंड HIO2, HIO4, HIO4। आई होप सब लोग इनके नाम जानते होंगे, नाम जानते हो क्या? HClO3 में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। सारी चीजें डिस्कस करते हैं अभी जस्ट डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। पहले इसका नाम देख लो, इसका नाम क्या होगा? टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड HIO, सारे के नेम एक जैसे ही होंगे, ओके। इसको मैं लिखता हूं हाइपो आयोडस एसिड। अगर क्लोरीन की बात आए तो ये क्लोरस हो जाएगा, ब्रोमीन की बात आए तो आपका ब्रोमस हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। नाउ इसकी बात करें सेकंड वाला, सेकंड वाला होता है नॉर्मल आयोडस एसिड, आयोडस एसिड लाइक क्लोरस एसिड, आयोडस एसिड, ओके। एंड दिस वन आयोडिक एसिड, एंड दिस वन इसको क्या बोलते हैं? पर आयोडिक एसिड। अच्छा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बात कर, इधर पे बताओ मुझे, टेल मी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन HOCl में, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। HOCl में Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? प्लस वन और माइनस वन? प्लस वन, प्लस वन, ओके। एंड HClO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट? चलो HOCl आपने बता दिया, एक मुझे और बताओ NOCl में ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इसमें Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? HOCl में आपने प्लस वन बोल दिया तो NOCl में ही बता दो यार। माइनस वन, गुड। ये दोनों के दोनों कंपाउंड याद रखना, यहाँ पर पूरा का पूरा जो NO होता है ना, ये NO, ये इतना बड़ा,
this NO existed as a plus and this Cl negative. ओके क्या बेटा नाउ अभी हम बात कर रहे हैं HOCl के बारे में HOClO2 HOClO2 में सिंपली हाइड्रोजन का आपको 1 रखना है Cl का x रखना है एंड इसका माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 देन आई थिंक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस 3 राइट यहां पर Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है सोजवाल समझ में आया यहाँ पर Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 आएगा इस केस में Cl के ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 आएगा सेम टू सेम सब के लिए निकाल सकते हो आप किसी में कोई डिफरेंस नहीं है कोई पार्शियलिटी नहीं की है सब में आपका प्लस 7 है क्लियर है यहाँ तक समझ में आया सब लोग ओके चलो कुछ और प्रॉपर्टीज में आपको बता दूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज समझ लो F2 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज F2 जो आपके पास होता है ना काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2 आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके F नेगेटिव में चल जाता है एंड साथ में O2 बनाता है प्लस O3 बनाता है तो आप समझ पा रहे होगे जीरो से ये चीज माइनस में जा रही है माइनस वन में तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका मतलब ये क्या हो गया ऑक्सीडाइजेशन समझ पा रहे हो जीरो टू माइनस वन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बट जब हम बात करें सीएल के केस में या क्लोरीन वगैरह के केस में तो क्लोरीन वगैरह किस तरीके से परफॉर्म करते हैं क्लोरीन का अगर रिएक्शन करते हैं हम लोग एच टू ओ से देन ये कन्वर्ट हो जाता है एच सी एल में और साथ में एच ओ सी एल जो कि एक टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिख रहा होगा आप क्यों दिख रहा है यहाँ पर Cl जीरो है यहाँ पर Cl माइनस वन है यहाँ पर Cl प्लस वन है यहाँ से यहाँ तक का एक सीन दिख रहा होगा आपको फिर यहाँ से यहाँ तक का एक दिख रहा होगा समझ में आया क्लियर है डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है सेम टाइप का आपका क्या फॉर्म करता है ब्रोमीन फॉर्म करता है सेम रिएक्शन बट आयोडीन इस तरीके से रिएक्शन नहीं लेता ओके तो हम लोग ब्रोमीन की बात कर लेते हैं ब्रोमीन H2O के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बनाता है HBr प्लस HOBr ये भी आपका सेम रिएक्शन दे रहा जैसे ऊपर वाला है बट आयोडीन इस तरीके से रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि आयोडीन आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओके तो आपका वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देगा तो अगर हम बात करें आयोडीन के केस में तो ये रिएक्शन नहीं होगी समझ में आया ओके अगर हम बात करें इसमें भी एक ऑर्डर लिखता हूं मैं F2 सबसे आगे होगा फिर आपका Cl2 होगा फिर आपका Br2 होगा फिर सबसे कम आपका I2 होगा स्मॉल साइज की वजह से आपको एक प्रॉपर्टीज और याद आ रही होगी उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी तो इसके पास ज्यादा हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होगी हाईएस्ट हाइड्रेशन ओके दैट इज वाई ये आपका F2 रिएक्शन शो करता है इस तरीके से और I2 रिएक्शन नहीं शो करता ये वाला रीजन समझ में आया इसका और रीजन आगे बताता हूँ मैं आगे वाले स्लाइड में इसमें देखना जो आपका अच्छा पहले ये चीज ही देख लो
एसिड है, HF है, HCl है, HBr है, HI है, ओके। अगर मैं इसका बात करूं, हाइड्राइड लिख सकते हो और आपका बाइनरी एसिड भी हेडिंग लिख सकते हो। इसकी बात करूं मैं एसिडिटी की, एसिड डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज, एसिडिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। एसिड कौन सा अच्छा एसिड है? इंक्रीज। H बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। दिस विल बी इंक्रीज। ये आपका डिक्रीज। एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, डिक्रीज और इंक्रीज? सिंपल है यार, डिक्रीज होगा ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव HF है या F है, तो उसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा इन कंपेयर टू HI। ओके, रिड्यूसिंग एसिड, अभी आता है रिड्यूसिंग एसिड की प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एसिड कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एसिड होगा, HF होगा या HI होगा? HI। ओके गुड, HI आपका रिड्यूसिंग एसिड है, तो हम डाउन द ग्रुप जाने पर HI का जो रिड्यूसिंग एसिड है वो इंक्रीज होने वाला। ओके, HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर भी एक आपका ओपन कप टाइप शेप बनता है, जिसको मैं आपको बना के दिखा दूं। HF, HCl, HBr और HI, this is called HF, HCl, HBr, HI। आपको दिख रहा होगा HCl है आपका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसका HCl का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो इससे हम कह सकते हैं कि HCl आपका मोस्ट वोलाटाइल एसिड है, मोस्ट वोलाटाइल इज HCl। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें हम लोग, तो HF आपको ज्यादा दिख रहा है, HF का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेयर टू HI। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है। समझ में आया, दोनों पॉइंट क्लियर हैं? ओके, पॉइंट समझ में आया। इस स्लाइड में अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे ज्यादा इसको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है। और हाँ, इस स्लाइड में हमने जो बात किया था, ये स्लाइड आपका पूरा का पूरा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर देख लेना, एंड इसमें आपका जो बात किया था मैंने, दिस दोनों, ये तो इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, यहाँ पर दो पॉइंट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आ चुकी है बहुत बार एग्जाम में, और जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बिकॉज ये वेरी करती है, सबके माइंड में रहता है -1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट प्लस में भी शो कर सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लो। नेक्स्ट वन, इसमें आपको सिर्फ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की एक प्रॉपर्टीज और होती है, इसको भी देख लो, मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज कौन होती है। मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहता है, यहाँ पर HF हो जाएगा दिस वन, HF और HI, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में आपका HI का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपेयर टू HF। ये आप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि HF में क्या होता है, हार्डन बॉन्डिंग, इसका सब कुछ ज्यादा होता है, वैसा नहीं है। इस केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट HI का ज्यादा होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट को आप थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हैं बट मेल्टिंग पॉइंट के लिए नहीं भूलना, मेल्टिंग पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट थोड़ा सा ऑक्सो एसिड की जो बात कर लेते हैं हम लोग। ऑक्सो एसिड में जो इतने सारे एसिड लिखे थे, इन एसिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वीकेस्ट कौन सा है, और इनका एनहाइड्राइड किस तरीके से फॉर्म होता है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, तो ऑक्सो हैलाइड्स या ऑक्सो ऑक्सो एसिड लिखते, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स के ऑक्सो एसिड क्या क्या है, फिर ब्रैकेट में लिख लेना ऑक्सो एसिड बनते कैसे, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, इस तरीके से ऑक्सो एसिड बनते हैं। अच्छा, बात करें हम लोग आयोडीन से स्टार्ट करते हैं। आयोडीन का ऑक्सो एसिड क्या होता है, H I O 4 होता है, फिर आपका H I O 3, देन आपका H I O 2, देन आपका HOI। यहाँ तक समझ में आया ये एसिड। देन फिर हम लोग लिख लेते हैं हम लोग BR के बारे में, HBrO4, HBrO3, HBrO2 एंड HOBr, ये आपका क्या हो जाएगा, BR के केस में। नेक्स्ट हम लोग लिख लेते हैं क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन के केस में क्या हो जाएगा, HClO4, then HClO3, then HClO2, then HOCl। ये चीज समझ में आया। तो HIO4 ये हो गया। अच्छा, इतना तो आपको आता होगा, मुझे बताना इसका एनहाइड्राइड कैसे बनाते हैं, एनहाइड्राइड बनाने का प्रॉपर्टीज क्या था। अगर आपको H ऑड दिख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाइड करके उससे वाटर निकालो, अगर आपको H इवन है तो डायरेक्टली आप H2O निकाल दो, यही होता है ना एनहाइड्राइड का प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, HIO4 का एनहाइड्राइड क्या होगा, I2O7। Similarly here I2O5 का I2O3 इसका I2O। Similarly अगर मैं बात करेंगे हम लोग ब्रोमीन की, Br2O7, Br2O5, Br2O3, Br2O। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की, Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3 एंड Cl2O। अच्छा, हमने एक नहीं लिखा यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं HOF,
HOF नहीं लिखा ना, इसका जो एनहाइड्राइड बनेगा, जो HOF का एनहाइड्राइड होगा F2O होगा, ये होगा कि नहीं होगा, राइट? H2O का एनहाइड्राइड ये होगा। नाउ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता हूं मैं, जो I2O5 होता है ना, दैट इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ CO, दैट I2O5, इसका एरो हम लोग यहां से लेके जाते हैं, यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। एस्टिमेशन तो समझते हो, जस्ट लाइक हमने ओजोन के लिए बताया था, ओजोन के एस्टिमेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं Na2H2O3, राइट? अच्छा, एनीवन कार्बन मोनोऑक्साइड कभी देखा है आपने? कैसे पता करोगे आप कार्बन मोनोऑक्साइड है? कहीं पर आपको भेज दिया तो आप पता कर पाओगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पर है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं? एनीवन स्मेल करके, एक घंटे स्मेल करेंगे, बस बिंदास तरीके से बताएं कैसे पता करते हैं। एनीवन कुछ तो बताओ। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दैट बर्न विथ ब्लू फ्लेम, बर्न विथ ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। अच्छा, जो ब्लू फ्लेम होती है, कभी आपने देखा है ब्लू फ्लेम कब जलती है? ब्लू फ्लेम देखा है आपने? गैस जलाते हुए देखा होगा, लाइटर कभी जला के देखा होगा, एक ब्लू कलर की फ्लेम आती है, देखा कभी, फील किया? उसमें जब जब इस तरीके से होता है ना, मैं आपको थोड़ा सा बना के देखा, ऐसे फ्लेम जलती है ना, राइट? तो जो ब्लू कलर की फ्लेम होती है ना, वो सबसे यहां पर होती है, आई थिंक ब्लू कलर की फ्लेम होती है ना, सबसे हॉटेस्ट फ्लेम होती है, सबसे हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ फायर। दैट इज ब्लू, हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ फायर। ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड पता लग गया। अभी एक बात और आपके लिए इसके केस में बताता हूँ, जो F2O होता है ना, इससे आप वाटर निकाल के F2O तो बना सकते हो, बट एनहाइड्राइड का कंसेप्ट क्या है, वाटर निकाल के हम एनहाइड्राइड बना सकते हैं और उसमें वाटर मिक्स करके एसिड बना सकते हैं, यही है ना कंसेप्ट? तो यहाँ पर जो होता है ना, F2O से अगर हम लोग रिएक्शन कराएं वाटर की, तो ये रिएक्शन वापस में HOF नहीं देता, HOF वापस में नहीं बनता आपका। पॉइंट समझ में आया? तो वी कैन से दैट हेंस दैट इज नॉट एन एनहाइड्राइड ऑफ HOF, ये आपका एनहाइड्राइड नहीं है। ओके, समझ में आया? ये इसका एनहाइड्राइड नहीं है, क्लियर है? अच्छा, थर्मली मोर स्टेबल जो आपका F2O होता है, दैट इज थर्मली, थर्मली तो आप समझते हो, दिस इज थर्मली मोर स्टेबल देन O2F2 का नाम सुना है? इन दोनों केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 होता है, एंड आई थिंक यहाँ पर आपका +2 होता है, राइट? काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है F2O के, ये चीज समझ में आया? एक और नोट डाउन करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपके
ये एनहाइड्राइड है एनहाइड्राइड ऑफ क्लोरीन दीज आर एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ एक्सप्लोजिव उतना अच्छे नहीं होते हैं, मतलब माइल्ड एक्सप्लोजिव लिख सकते हो आप, माइल्ड एक्सप्लोजिव होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सिर्फ क्लोरीन के ऑक्सीडाइज एनहाइड्राइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अगर मैं बोलूँ आपको ये होमवर्क दे सकता हूँ कि अरेंज ऑल द एसिड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, कर पाओगे? बता दो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? आप लोग सोचो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। अगर मैं सारे एसिड का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है? बोलो एनीवन। अरे भाई बताओ ना बताओ ना, कोई तो बताओ। एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, एनहाइड्राइड खत्म हो गया, एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टीज खत्म, एसिड बताओ सबसे ज्यादा। अच्छा चलो ये तो नहीं बता सकते, इस आयोडीन के केस में बताओ, आयोडीन के केस में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, एच आई ओ फोर या एच आई ओ थ्री? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एच आई ओ फोर की, एच आई ओ थ्री की, एच आई ओ टू की, एच ओ आई की, किसकी होगी? बोलो एनीवन, कोई तो बोल दे। अभी तक पढ़ के आए एच आई ओ फोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन कंपेयर टू एच एन ओ थ्री, तो ये आपका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, यस और नो? अरे बोलो ना यार। ओके तो जो मैं यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा इंक इंक्रीज करके, ये आपका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इन कंपेयर टू एच आई ओ थ्री। सिमिलरली ये इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये इससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एसिड की बात कर रहे हैं, एनहाइड्राइट की बात नहीं है यहाँ। ये वाला इससे ज्यादा एनहाइड्राइट एसिडिक होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा, ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ में आया? नाउ अगर हम बात करें एच आई ए फोर और एच बी आर ओ फोर में तब क्या होगा, एच आई ए फोर और एच बी आर ओ फोर में तब क्या होगा, उस केस में, उस केस में क्या होता है, एच सी एल ओ फोर ज्यादा एसिडिक नेचर शो करता है इन कंपेयर टू ऑल दीज। तो ये आपको ऑर्डर याद करना है। याद रहेगा ऑर्डर? ओके सबको याद रहेगा, समझ में आ रहा? ज्यादा तो नहीं कर दिया इधर, कुछ कुछ हो गया होगा, एकदम क्लीन दिख रहा है ना आप लोगों को? मैंने इसलिए एक ही पेपर में करना चाहा उसको कंजेस्टेड करके, अगर अलग अलग करता तो फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है स्क्रॉल डाउन मुझे, तो मैंने इसलिए एक ही पेपर में कर दिया। ये पूरा का पूरा आपको इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा याद रखना, इसमें मैं इम्पोर्टेंट लगा सकता हूँ। ओके यहाँ तक क्लियर है? तो अभी आपको समझ में आया एसिडिटी? एसिडिटी समझ में आया? एसिडिटी अगर हम बात करते हैं सीएल के केस में, तो एच सी एल ओ फोर आपका ग्रेटर होता है इन कंपेयर टू एच बी आर ओ फोर से एंड एच आई ओ फोर से, राइट? क्लोरीन का एसिड ज्यादा एसिडिक है ना, बट अभी हमने कुछ देर पहले यह भी देखा कि जो एच सी एल होता है वो कम एसिडिक होता है और एच बी आर आपका थोड़ा ज्यादा होता है और एच आई थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये लिखा हुआ है ऊपर। तो एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आपका ये हो जाता है जो याद करने लायक। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी का,
थर्मल स्टेबिलिटी का जो पॉइंट होता है, किसकी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, HClO4 की या HBrO4 की या HIO4? थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी ज्यादा, इसकी साइज छोटी है तो HClO4 आपका ज्यादा होगा थर्मल स्टेबल, फिर आपका HBrO4 ज्यादा होगा, HIO4 ज्यादा होगा। यहां तक समझ में आया? ओके, क्लियर है। अगर हम बात करें इन सेम टू सेम एसिड के बारे में बात करें तो HClO4 ज्यादा थर्मली स्टेबल होता है इन कंपेयर टू HClO3 से और HClO2 से और HCHOCl से। ये भी आपका एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट और होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो मैं अलग से लिखा दे रहा हूं बट आपको ऊपर मैंने बता दिया। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होता है, ये भी नोट करने वाली बात है। HOCl की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी HClO2 की, HClO3 की, HCl, ये वाला पॉइंट आप लोग देख के आना। ओके, HClO4 की, ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग देख के आना। कल मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, पूछने के बाद कल, आज नहीं, इवनिंग में नहीं होगा। ओके, कल मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ओके, इस पॉइंट का एक्चुअली मतलब क्या। ओके, लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किस तरीके से दे सकते हैं, एक एलिमेंट है वो आपका लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, फिर आपका रेड में चल रहे हैं, दो क्वेश्चन टफ हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, यहाँ पर हम लोग लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट, ये जो मेन मेन पॉइंट थे मैंने आपको लिखा दिए अभी तक बेसिक। ओके, इसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन में आपका एफ टू का प्रिपरेशन होगा, क्लोरीन का प्रिपरेशन होगा, फिर आपका आयोडीन का प्रिपरेशन होगा, फिर उसकी रिएक्शन होगी, क्लोरीन की रिएक्शन, फ्लोरीन की रिएक्शन एंड आयोडीन की रिएक्शन। एक ही लेक्चर में सारी चीजें खत्म करेंगे, जो लोग आएगा समझ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं समझेगा। एक ही रिएक्शन में क्लोरीन क्लोरीन आयोडीन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो खत्म करेंगे। तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर को कंक्लूड करें, अगर नहीं होता है, कुछ बचता है, कुछ आपका, हाँ, पुराना सीडो हैलाइड्स वगैरह कुछ होंगे एक्स्ट्रा तो हम उसको भी देख लेंगे अगर आपका टाइम बचता है तो, नहीं तो इसका एक लेक्चर और इंक्लूड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, तो वहां पर भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मैं यहीं पर लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ। ग्रुप 17 का इंट्रो आपका खत्म हुआ। ओके, इसके बाद आपका प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स देखेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, जो क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन गैस है, आयोडीन गैस है, वो देखेंगे। इसके बाद ग्रुप 18 स्टार्ट करते हैं, ग्रुप 18 भी एक लेक्चर में खत्म हो जाए। ओके, बाय बाय एवरीवन, यू कैन लीव नाउ। कुछ डाउट हो तो मुझे सेंड करो मैसेज, व्हाट्सएप करो, ओके, डाउट डिस्कस कर। बाय बाय एवरीवन। बाय।